हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे आज ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ, वो भी बिना कुछ भी खर्चा किए, यानी कि आपको एकदम ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके घर में कोई भी यूज़लेस चीज़ पड़ी हो, जैसे कि बॉटल, कोई भी ग्लास, छोटा बड़ा, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर ले। अब इसको अगर आपको डेकोरेट करने का टाइम नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं कोई भी सॉक्स की हेल्प से। आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली दो या तीन ग्लास इस तरह से आप रेडी कर लें। सॉक्स अगर सेम होगा तो और भी अच्छा होगा, सारे होल्डर सेम दिखेंगे। मैं यहाँ पर एक छोटा ग्लास और एक बॉटल को कवर कर रही हूँ सॉक्स की हेल्प से। अब देखिए, ये एकदम क्यूट सा हमारा होल्डर रेडी हो गया है। अब आप इसको जैसे चाहे यूज़ करें, नाइफ़ रखें, स्पून्स रखें या अपने स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करके रखें। मैं एक सेरेमिक पॉट में सब कुछ एक ही जगह में रखती हूँ, नाइफ, स्पून, सब कुछ, तो ये मिक्सअप हो जाते हैं। तो इनको सेग्रीगेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल टेप्स। आपके पास जो कलर का टेप हो आप उसे यूज़ कर लें। अब हम इस तरह से इसे डिवाइड करेंगे। अब इसको आप प्लस का साइन बना दें या इनटू का साइन बना दें। मैं यहाँ पे टेप को यूज़ करके फोर पार्ट्स बनाऊंगी। आप चाहे तो जितना भी पार्ट्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जो भी एक्स्ट्रा टेप होगा साइड से उसे आप निकाल दें। टेप आपको इजी हो नेक्स्ट टाइम ढूंढने के लिए और आपको मुश्किल ना हो तो उसे इस तरह से फोल्ड करके रखें। अब देखिए, एक होल्डर में मैंने फोर पार्ट्स बनाए हैं। अब आसानी से मैं सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख सकती हूँ। है ना, कितना सिंपल सा तरीका, बिना कुछ भी खर्चा किए आप अपने कोई भी होल्डर को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इस ग्लास में मैंने जो सॉक्स लगाया है उसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है ताकि जो टेप मैं यूज़ कर रही हूँ इस ग्लास को डिवाइड करने के लिए वो साइड से छिप जाए। आपके पास कोई भी बॉटल हो, ग्लास हो, कप हो, उन्हें इसी तरह से आप सॉक्स से कवर करें, चाहे तो इलेक्ट्रिकल टेप से डिवाइड करें और उसे यूज़ करें अपने किचन में या अपने स्टडी टेबल पर। देखिए, इसी तरह से मैंने इस बॉटल को भी रेडी किया है। आज मैं बिना खर्चा किए आपको एक चेयर को कवर करके बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पिलो कवर। तो बस इसे आप अच्छे से चढ़ा दीजिए पूरे चेयर में। देखिए, चेयर कवर जो होते हैं बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो आप इसी तरह से ईजी वे से आपके घर में पड़े हुए कोई भी पिलो कवर की हेल्प से इन्हें कवर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कवर कर लोगे तो आपका कोई भी पुराना फर्नीचर भी होगा ना, तो वो भी एकदम न्यू दिखने लगेगा। चेयर कोई भी हो, आपके स्टडी टेबल के पास चेयर रखी उसको भी आप कवर कर सकते हैं या अपने सारे डाइनिंग चेयर को भी इसी तरह से कवर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक कुशन रखूंगी, तो कुशन को भी सेम पिलो कवर से कवर कर रही हूँ। देखा आपने, बिना कुछ भी खर्चा किए, बिना मेहनत के हमने इतना सुंदर तरीके से अपने चेयर को कवर कर दिया है। इसी तरह से मैंने अपने सारे डाइनिंग चेयर को कवर किया हुआ है। अब ये सेफ़ रहेंगी, डस्ट से भी और स्क्रैच से भी बची रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई भी चेयर यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से आप कवर करिए और अपने चेयर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। मैं ये टिकटॉक क्लिप यूज़ करती हूँ अपने कपड़ों को जब मैं सुखाती हूँ उन्हें होल्ड करने के लिए, तो ये अच्छे से होल्ड रहते हैं और जितनी भी हवा चले ये उड़ते नहीं हैं। तो अगर आपके पास क्लॉथ पिन की कमी हो जाती है तो आप इस तरह से घर में पड़े हुए टिकटॉक क्लिप की हेल्प से अपने कपड़ों को होल्ड कर सकते हैं। क्लिप्स को हमें ऊपर से नहीं लेकिन कपड़े के दोनों साइड से इस तरह से लगाना है। मैं एक शॉपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ, इसको कट करूँगी बीच से ताकि मैं हैंगर इसमें से निकाल पाऊँ। तो मैं कट कर लेती हूँ, एकदम सेंटर से कट करूँगी। मैं एक छोटा सा होल हमें करना है ताकि जो हैंगर का जो हुक है उसको हम इसके ऊपर से निकाल पाएँ।
अब ये बहुत ही अच्छा कवर रेडी हो गया है। अब आप इसमें अपने सूट रखें, साड़ी रखें, या जो स्वेटर्स है, स्वेटर्स जो कॉस्टली वाले होते हैं, उनको भी आप इस तरह से कवर करके रख सकते हैं। किचन ट्रॉली में रैक लगा होता है प्लेट्स का, जो बड़े प्लेट्स और क्वार्टर प्लेट्स के लिए होते हैं। लेकिन जो क्वार्टर प्लेट्स से छोटे प्लेट्स होते हैं, उनको हम नहीं रख पाते हैं। अगर हम रखते हैं तो वो नीचे से गिर जाते हैं। तो इस तरह से इन छोटे प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक बास्केट। बास्केट को चाहे तो आप जो ट्रॉली होती है उसको अच्छे से टाई कर सकते हैं। बास्केट और ट्रॉली को मैं यहाँ पर जिप टाइज यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी थ्रेड हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस को क्रिएट किया है छोटे जो प्लेट्स हमारे होते हैं उनको रखने के लिए। आज के किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जीरो कॉस्ट में आप लोग को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर नया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।